डियर, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डायग्राम देखेंगे और उसका जो कंडीशन होगा, कितने कंडीशन स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वेक्स का होगा वो रे डायग्राम देखेंगे और फिर उसका रिलेशन भी बात करेंगे। तो देखिए, ये कन्वेक्स, पहले तो एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में तो टू केसेस अराइज होंगे, एक रियल इमेज के लिए होगा और एक वर्चुअल इमेज का। तो देखिए, सबसे पहले ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और ये इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं, और ये कन्वेक्स ऐसे स्फेरिकल सरफेस है तो ऐसे ये सर्कल बनेगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। सपोज ये ऐसे अगर क्लोज करें तो ये सेंटर सी और ये पोल है पी, और ये लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये जो मीडियम है मीडियम हो जाएगा, मे बी ग्लास का बना हो, स्फेरिकल अलग अलग मटेरियल का बना हो सकता है, और ये रेरर मीडियम है। दो मीडियम्स हैं, ये एक मीडियम है और ये एक मीडियम है। इस मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान रहे हैं और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू बोल रहे हैं। क्या? म्यू टू। ठीक है, देखिए अब पहला जो केस हम इस पे ले रहे हैं, व्हेन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज का केस ले रहे हैं। व्हेन वर्चुअल इमेज का केस का कंडीशन ले रहे हैं। वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगा और रियल इमेज कब फॉर्म होगा, इसके लिए देखिए, जब अगर पोल के पास में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल इमेज होगा, और पोल से थोड़ा दूर पे हो तो रियल इमेज। उसके लिए हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। पहला रे डायग्राम हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल का केस का, उसके बाद रियल का भी केस करेंगे। ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में दो कंडीशन में हो सकता है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। डिफिनिट हाइट का भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन बन सकता है, लेकिन जो हम लोग का रिलेशन इसमें पढ़ना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस पहले देख रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन ओ है। देखिए, अब पी से सी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल, और पोल से ऑब्जेक्ट, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और इस डिस्टेंस को हम लोग यू बोल रहे हैं, यू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से क्या होगा, रे जाएगा, लाइट जाएगा, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा, और इमेज फॉर्म करने के लिए पता है टू रे होना चाहिए। दो रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रहा है टू रे, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। तो एक तो रे हम लोग ये देखिए, ये जो सीधा चला जाएगा, इससे सेंटर से जो आएगा इस नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, एक सीधे पास हो गया ये। दूसरा, अगर ये ऐसे गया, इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मीडियम वन है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। हमने लिया भी है कंडीशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर भी हो जाएगा। इसका अलग अलग केस के लिए अलग अलग रे डायग्राम होगा और रिलेशन भी हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड करेगा। सबसे पहले तो नॉर्मल हमको ड्रा करना होगा। इस पॉइंट पे ये एक सरफेस बनाए और इसमें नॉर्मल हमारा होगा। नॉर्मल जब भी अगर ड्रॉ करना होता है तो सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये सरफेस है और ये सरफेस पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल रे, ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग नॉर्मल रे बोलते हैं। आप चाहो तो इस तरह से रे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल रे, ये पॉइंट। ठीक है, और ये एंगल जो हो गया, एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस। अब व्हेन रे पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स, रिफ्लेक्शन में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। चूंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो ये क्या होगा, बेंड करेगा, लेकिन क्या है, ये सीधे रे पास हो रहा है इस तरह से, और ये बेंड हुआ लेकिन पूरा पूरी तरीका से बेंड नहीं हुआ, यहाँ पे इस तरह से ये रे। अब ये दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे सीधे जा रहा है, कहीं पे मिलने का कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। तब क्या होगा, यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये म्यू टू मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम
आई बना दिया और यहां से हम देख रहे हैं ये आई है, ठीक है, आई। अब यहां से हम देख रहे हैं तो क्या होगा, कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो ये जब नहीं मीट करता है तो ये क्या हो जाएगा, रे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए ये रे को हम क्या करें, थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखिए अब यहां से ये क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में आते हुए रे दिखेगा और ये पोजीशन पे दिखेगा कि इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन ये जो रे है रियल रे नहीं है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इमेज, ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में और यहां पे इमेज फॉर्म होगा। और ये जो इमेज होगा रियल रे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम आते हुए ऐसे दिखते हुए कि ये जो रे है इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा। तो ये जो पोजीशन होगा ये इमेज का पोजीशन होगा और पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया, किस केस के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। अब इसका रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें देखिए कुछ कुछ, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे और ये नॉर्मल के बीच में, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के केस के लिए देखिए यहाँ पे तीन एंगल बन रहा है, ये तीन एंगल ये फिक्स रखेंगे हमेशा हर केस के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा, और ये जो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमेशा गामा लेंगे। तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और एक यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पॉइंट से, और इसका नाम दे दे रहे हैं M, ये परपेंडिकुलर है। और इसको ये जो कर्वेचर है ये कर्वेचर से इतना पास होता है कि P और M को बहुत क्लोज है, इसलिए हम आगे चल के बात करेंगे कि P और M को हम एक ही पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये सपोजिशन है, बहुत सारे चीज मानना पड़ता है, और ये N हम पॉइंट मान रहे हैं, N कहीं तो नहीं लिए, ये N हो गया N पॉइंट। अब इसका रिलेशन हम लोग को एस्टेब्लिश करना है। देखिए ये O भी द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, I भी द पॉइंट ऑफ इमेज, और ये पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिया। म्यू वन क्या है, मीडियम वन, म्यू टू क्या है, मीडियम टू, ये क्या है, रेरर मीडियम, रेरर, और ये क्या है, डेंसर, डेंसर। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, इमेज, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है, पोल, ठीक है। एक्स वाई लेना चाहते हैं तो एक्स वाई ले सकते हैं। एक्स वाई क्या है, ये एक्स पी वाई जो है ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई ये कन्वेक्स स्फेरिकल है। एक्स वाई को हम अपर्चर बोल सकते हैं, अगर यहाँ से ये ज्वाइन कर दे लाइन तो ये अपर्चर हो जाएगा, ठीक है। तो रे डायग्राम कंप्लीट है, अब हम लोग चलते हैं इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करने। अकॉर्डिंग टू हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या है, साइन आई यहाँ पे है और ये किसके कारण रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम टू के कारण, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। अब चूंकि ये जो आई है और आर जो है वेरी स्मॉल है, जब भी एंगल स्मॉल होता है तो साइन आई को क्या कंसीडर किया जाता है, सिर्फ आई कंसीडर किया जाता है। तो सिंस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि सिंस थीटा इज, मतलब आई एंड आर इज वेरी स्मॉल सो साइन आई इज इक्विवेलेंट टू साइन आई हो जाएगा सिर्फ, और साइन आर को हम लोग क्या मानेंगे, आर, तो ये हो जाएगा आई बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन, आई बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आई का हम लोगों को रिलेशन किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है, यू वी आर और म्यू वन और म्यू टू के केस में। तो आई और आर तो एंगल ऊपर में दिख रहा है हमको, सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा के
केस में इसको कन्वर्ट करना होगा, तब ना इस एक्सिस पे लाएंगे तब ना हम इसको रिलेशन दिखा पाएंगे यू भी और आर का। तो देखिए आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ये आई है, देखिए ए इंटीग्रल ओ एन सी में बात कर रहे हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज वन ऑफ द एक्सटीरियर के बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अल्फा प्लस गामा देखिए ट्रेंगल में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे गामा है, किस ट्रेंगल में बात कर रहे हैं, ओ एन सी, ओ एन सी पे बात कर रहे हैं, ओ एन सी अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई, इसी तरह से इंट्रेंगल हम लोग बात कर रहे हैं आई एन सी में, बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा इंट्रेंगल, इसी तरह से देखिए इस ट्रेंगल में बात कर रहे हैं आई एन सी में, ये हो गया यहाँ पे बीटा, ये हो गया गामा, तो सम ऑफ टू इंटीरियर वन एक्सटीरियर के बराबर होगा आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा, कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, ये ऐसे हम बोलना चाह रहे हैं, ये इस तरह से है, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या है गामा और यहाँ पे क्या है आर, आई एन सी, आई एन सी ये बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, तो आर का हम लोग क्या लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, ये ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वन इंटू अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू टू इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा इक्वल टू म्यू टू बीटा प्लस म्यू टू गामा, गामा गामा को एक साइड में करेंगे और अल्फा बीटा को एक साइड में करेंगे, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो म्यू वन माइनस नहीं म्यू वन अल्फा, म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू बीटा इक्वल टू इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और गामा गामा दोनों में कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया गामा। अब इसको हम लोग इक्वेशन वन ले रहे हैं, अब हम लोग को अल्फा बीटा और गामा हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा देखिए यूजिंग रिलेशन अल्फा बीटा और गामा यूजिंग रिलेशन थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क बाई रेडियस वाला कॉन्सेप्ट से टैन थीटा का हम लोग ले रहे हैं। देखिए इंट्रेंगल हम लोग बात कर रहे हैं किस में, ओ एन एम में, अल्फा है बीटा क्या है आई एन एम में और गामा हो जाएगा एन एम सी में, तो अल्फा बीटा गामा, देखिए इंट्रेंगल हम लोग बात कर रहे हैं किस में, इंट्रेंगल ओ एन एम, ओ एन एम ध्यान दीजिएगा, तो थीटा ये एल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट से हम निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट से टैन थीटा, टैन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एन एम है और बेस क्या है ये ओ एम, ओ एम चूँकि अल्फा ये वेरी स्मॉल है तो वेन जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एम बाई ओ एम, एन एम बाई ओ एम ये हो गया अल्फा निकल गया। अब बीटा के लिए हम ट्रेंगल किस में लेंगे, इंट्रेंगल, इंट्रेंगल आई एन एम, आई एन एम में टैन बीटा अगर बात कर रहे हैं कि टैन बीटा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर एन एम हो जाएगा आई एन बी, आई एन एम में बात कर रहे हैं तो एन एम यहाँ भी परपेंडिकुलर हो गया और बेस क्या हो जाएगा आई एम, ठीक है, क्योंकि बीटा बहुत है थीटा अल्फा इज स्मॉल, यहाँ पे लिख देना होगा सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे भी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एम बाई आई एम, यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस बीटा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल एंगल बनेगा तो टैन बीटा को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं सिर्फ बीटा। एक और हम लोग को लेना है क्या इंट्रेंगल, देखिए एन एम सी, इंट्रेंगल एन एम सी, इंट्रेंगल एन एम सी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थीटा ये हो जाएगा टैन गामा, यहाँ पे ये थीटा ले रहे हैं ना तो टैन गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर एन एम, परपेंडिकुलर जो होगा एन एम होगा और बेस क्या हो जाएगा एम सी,
बेस हो जाएगा एम सी, सिंस गामा वेरी स्मॉल इसलिए एन एम बाई इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा और गामा हम लोग को फाइंड कर कर लिए, तो इसको मैं मिटा के सिर्फ हम अल्फ़ा बीटा और गामा को यहाँ पे लिख रहे हैं। अल्फ़ा कितना आया देखिए, ये इक्वेशन वन है, अल्फ़ा आया है मेरा एन एम बाई ओ एम, बीटा कितना आया है एन एम बाई आई एम, और गामा कितना आया है एन एम बाई एम सी। ये अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए अब ये अल्फा बीटा और गामा को हम इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, एंड पुट इन इक्वेशन वन, एंड पुट इन इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा देखिए, वन में पुट करेंगे तो म्यू अन इंटू अल्फा, अल्फा के वैल्यू कितना है एन एम बाई ओ एम, ना म्यू वन एन एम बाई ओ एम माइनस म्यू टू, बीटा कितना है बीटा है एन एम बाई आई एम इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और क्या है गामा, गामा का वैल्यू कितना है गामा है एन एम बाई एम सी। एन एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू है बीच में तो एन एम कॉमन लेंगे तो एन एम कैंसिल, तो ये क्या हो गया म्यू वन बाई ओ एम माइनस म्यू टू बाई आई एम इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एम सी। अब यहाँ पे देखिए ओ एम, ये ज्योमेट्रिकल शेप में मैं बोला था कि पॉइंट पी और एम बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि सिंस पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू एम, सो हम इसलिए दोनों को क्या मानेंगे, पी एंड एम इज कॉन्साइड कर रहा है आपस में, क्योंकि कर्वेचर के बहुत पास होगा, जब कर्वेचर के बहुत पास होता है तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि दोनों पॉइंट लगेगा कि दोनों एक ही पॉइंट पे है, और इसलिए ये परपेंडिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते थोड़ा सा बगल में ही आता, और ये क्योंकि कर्व है इसलिए हम लोग ओ एम को क्या मानेंगे, ओ एम इज इक्वल टू, ओ एम को इक्विवेलेंट टू हम ओ एम को ओ पी के बराबर मानेंगे, ओ एम इज इक्विवेलेंट टू ओ पी। अच्छा आई एम को किसके बराबर मानेंगे, आई एम आई से लेके एम को आई से लेके पी तक मानेंगे, आई एम इज इक्विवेलेंट टू आई पी, एंड जो ये एम सी है एम सी इज इक्विवेलेंट टू पी सी हो जाएगा, तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू वन बाई ओ एम किसके बराबर है ओ पी के बराबर है, माइनस म्यू टू किसके बराबर है आई एम के बराबर है, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई एम सी किसके बराबर हो गया पी सी के बराबर। अब इसको हम लोग इक्वेशन टू मान रहे हैं, देखिए अब साइन कॉन्वेंशन से हम लोग को पता है, यूजिंग साइन कॉन्वेंशन से ओपी किसके बराबर है ओ से लेके पी तक, तो ऑल द डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, और पोल से इधर होगा तो क्या हो जाएगा ओपी इक्वल टू माइनस यू, यू है ये यू है ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सॉरी आई एम को आई पी लेना है, आई एम को क्या लेना है आई पी, आई एम इज इक्वेलेंट टू आई पी। अच्छा आई पी कितना हो जाएगा आई से लेके पी तक, ये इमेज डिस्टेंस है, ये भी पोल से लेफ्ट साइड में है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस वी, और ये हो जाएगा पी सी कितना हो जाएगा पी सी हो जाएगा प्लस आर। ठीक है अब ये पुट टू में करना है, एंड पुट इन इक्वेशन टू में पुट करना है, तो टू में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा रिलेशन, देखिए म्यू वन बाई ओ पी, ओ पी क्या है माइनस यू, माइनस म्यू टू बाई आई पी क्या है माइनस वी, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई पी सी कितना है आर, और माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस म्यू वन बाई यू माइनस माइनस प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या हो जाएगा आर, यही रिलेशन हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस
व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट रेरर मीडियम. यहाँ पे क्या 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 कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम, इमेज भी रेरर मीडियम है लेकिन इमेज वर्चुअल है. तो क्या क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, रेयर में है, सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स. इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज है वर्चुअल, इमेज वर्चुअल. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग ये रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं. ठीक है, इस तरह से आसानी से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है. इसको आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ के इसको नोट कर लीजिए.